हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ओआरजी के करंट अफेयर प्रोग्राम में। आज है 13 अप्रैल, तो हम कवर करेंगे 12 और 13 अप्रैल से पढ़ने वाले करंट अफेयर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से या फिर पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट से। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। आपको आंसर देना है कि जो सूची आई है फोर्ब्स की, उसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं हाल ही में। तो साथियों, आंसर होगा जेफ बेजोस। तो देखिए साथियों, जेफ बेजोस इसमें फर्स्ट नंबर पर हैं, बिल गेट्स इसमें सेकंड पर हैं और डोनाल्ड अल्टन जो कि तीसरे नंबर पर हैं। साथियों, बात करते हैं भारत के मुकेश अंबानी की, जो कि इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो वह वर्तमान में इस लिस्ट में 17वें नंबर पर आए हैं। साथियों, विश्व में सबसे 17वें नंबर पर इनका स्थान है और इंडिया में प्रथम स्थान पर हैं। साथियों, आपको पता होगा कोरोना वायरस के कारण अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। तो जानते हैं साथियों, इस क्वेश्चन से डिटेल्स क्या हमारे लिए बनती हैं। तो देखिए, फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के अरबपतियों की 34वीं सूची हाल में जारी करी गई है। साथियों, जो 2020 में सूची आई है, यह इसकी 34वीं सूची है। तो देखिए साथियों, डिटेल्स बनती है इसमें आगे। तो 2020 में सबसे अमीर व्यक्तियों में तीसरी बार अमेजोन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सबसे प्रथम स्थान पर रहे हैं। सूची में द्वितीय स्थान पर बिल गेट्स, तीसरे स्थान पर डोनाल्ड अल्टनल हैं। तो साथियों, मैं आशा करूंगा आपको यह प्रश्न समझ में आ चुका होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा COVID-19 से लड़ने हेतु एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। साथियों, उसका नाम क्या है तो आपको बताना है। उसका नाम होगा ऑप्शन ए, यानी कि IGOTPD। साथियों, यह एक तरह से ऐप है और ये किसके लिए काम करेगा, तो साथियों जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स क्या बनती है हमारे लिए। तो देखिए, भारत सरकार ने सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, साथियों फ्रंटलाइन का मतलब क्या है, जो कि कोरोना के बचाव में कार्य कर रहे हैं उनको फ्रंटलाइन कार्यकर्ता कहा गया है। यू कह सकते हैं साथियों, जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कि कोरोना से बचाव में कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी को फ्रंटलाइन कार्यकर्ता कहकर यहाँ पर संबोधित किया गया है। साथियों, डिटेल बनती है आगे। तो देखिए, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए COVID-19 से लड़ने हेतु एक लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT लॉन्च किया गया है, जो उन्हें बीमारी से निपटने, प्रशिक्षण एवं अपडेटों से लैस करेगा। साथियों, यहाँ पर IGOT होगा, मैंने तो थोड़ा सा गड़बड़ हो चुकी टाइपिंग में। तो देखिए, यह प्लेटफॉर्म प्रत्येक फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को उसके कार्य स्थल पर या उसकी सुविधा के अनुसार घर पर मोबाइल में मिल जाएगा। तो साथियों, एक तरह का ये एक ऐप है जहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरह से अध्ययन करेंगे और ये बचाव से संबंधित जो जानकारियाँ और भी जुटा पाएंगे। तो साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत करी गई है। साथियों, आपको आंसर देना है कि कौन सी प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन शील्ड, जो कि यहाँ पर लिखा है, इसकी शुरुआत करी गई है। तो हमारा आंसर होगा दिल्ली प्रदेश सरकार। देखिए, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। साथियों, डिटेल्स क्या बनती हैं इस बारे में तो देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा COVID-19 के प्रसार से लड़ने हेतु या फिर रोकथाम करने हेतु रोकथाम क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा करी गई है। इसके तहत प्रभावित क्षेत्रों में टीम भेजी जाएगी। साथियों, टीम कौन की, कौन सी, तो चिकित्सकों की, पुलिसकर्मियों की और स्वास्थ्य कर्मियों की, सफाई कर्मियों की। साथियों, चारों मतलब टीमें होती हैं वो एक साथ जाएगी, साथ ही स्वास्थ्य चिकित्सक और जो चिकित्साकर्मी हैं, रक्षाकर्मी हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार करने वालों जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की घोषणा करी गई है। साथियों, ऑपरेशन शील्ड का मतलब आप समझ चुके होंगे कि वो जो प्रभावित क्षेत्र है कोरोना से, उनके अंतर्गत सारी टीमें भेजी जाएगी एक साथ में। तो जो यही एक तरह से ऑपरेशन शील्ड है दिल्ली प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में मानव विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी किसे घोषित किया गया है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए डिजी लॉकर। साथियों, देखिए डिजी लॉकर है क्या चीज़, तो एक तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जितने सारे भी जो भी एक तरह से कार्ड हैं बमाशा कार्ड राजस्थान के लिए, तो सारे के सारे कार्ड साथियों आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से ऑनलाइन तरीके से स्टोर होगा और आवश्यकता पड़ने पर साथियों आप इसको यहीं से यूज़ भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में UN के द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया गया है। साथियों, आपको आंसर देना है कि UN यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो भारत की GDP रहने का क्या अनुमान लगाया है वित्त वर्ष 2019-20 में, तो साथियों 21-20 में माफ कीजिएगा, वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 4.8%। साथियों, यहाँ पर GDP रहने की बात कही है। साथियों, देखिए फिट्स ने इंडिया के लिए कौन से दिए, तो फिश ने दिए 2%, ADB ने दिए 4% और S&P ने दिए 3.5%। साथियों, SBI जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, साथियों इसने दी है 2.6%। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2021 में इंडोर हॉकी विश्व कप मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। साथियों, आपको आंसर देना है कि 2021 में जो इंडोर हॉकी विश्व कप होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। साथियों, ये करेगा बेल्जियम। तो देखिए डिटेल्स हमारे लिए क्या बनती हैं इस बारे में, तो देखिए आइए साथियों, बेल्जियम के द्वारा इस जो उत्तर से 2021 में होने वाला इंडोर हॉकी विश्व कप है इसकी मेजबानी करी जाएगी। और साथियों, डिटेल्स क्या बनती हैं इस बारे में, तो देखिए
इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और लुसार्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नरेंद्र बत्रा जो कि भारतीय मूल के हैं यह इसके वर्तमान में अधिकारी बने हैं, इसके अध्यक्ष बने हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? हमारा आंसर होगा चीन, यानी कि ऑप्शन ए साथियों सही जवाब होगा। चीन इसके अंदर पहले स्थान पर रहा है, यानी कि इसने 2019 के अंतर्गत साथियों सबसे ज़्यादा पेटेंट करवाते हुए हर चीज़ को अपने नाम पर किया है। साथियों देखिए इस बारे में डिटेल्स क्या बनती है हमारे लिए तो जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग में चीन सबसे पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है और तीसरे स्थान पर साथियों जापान रहा है। साथियों देखिए अमेरिका लगभग 40 सालों से इस स्थान पर बना था, यानी कि वो 40 सालों से लगातार प्रथम स्थान पर था, परंतु इस बार चीन ने उसे पीछे छोड़ते हुए वो प्रथम स्थान पर आ चुका है। साथियों ये पूरे विश्व के लिए एक तरह से निराशाजनक खबर है, क्योंकि आपको पता है चीन का रवैया किस तरह का होता है और वह हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो साथियों आइए जानते हैं इस बारे में, इस संस्था के बारे में डिटेल्स क्या बनती हैं कि यह किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो साथियों देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना होती साथियों, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो स्विट्जरलैंड जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रांसिस गुरी जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? साथियों आपको आंसर देना कि कौन सा राज्य भारत में है जो कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को सबसे पहले बढ़ाया है। तो हमारा आंसर होगा ओडिशा। देखिए ऑप्शन ए साथियों इसका सही जवाब होगा ओडिशा। साथियों और ओडिशा ये कौन सा है, ये फर्स्ट है। साथियों बात करते हैं पंजाब की, तो ये सेकंड स्थान जो देश है या फिर राज्य है जो कि सबसे पहले लॉकडाउन बढ़ाता है, यानी कि सेकंड बार में बढ़ाता है ये और पहली बार में बढ़ाया ओडिशा ने। साथियों पंजाब के बारे में एक तथ्य और है, इसने सबसे पहले जो अपने राज्य में कर्फ्यू लागू किया था। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी आपात स्थिति से निपटने हेतु या फिर उत्पन्न संकट से निपटने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की तैयारी करी है? साथियों आंसर होगा 15,000 करोड़ रुपए। तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, 15,000 करोड़ रुपए के एक तरह से पैकेज की घोषणा करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और साथियों डिटेल्स क्या बनती हैं इस बारे में तो देखिए साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए घोषित किए हैं इस महामारी से निपटने के लिए। इसके तहत साथियों 7,747 करोड़ रुपए यह महामारी से उत्पन्न तुरंत जो एक तरह से स्थितियाँ हैं वर्तमान में इससे निपटने के लिए, और साथ ही जो बची हुई राशियों की साथियों उसके लिए 1 से लेकर 4 वर्षों तक खर्च करने का एक तरह से टारगेट रखा गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोविड केयर ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको आंसर देना है कि कौन सी प्रदेश गवर्नमेंट है जिसने कोविड केयर नामक जो एक तरह से एप्लीकेशन है एक जो ऐप है यह लॉन्च किया है। साथियों आंसर होगा कोविड केयर ऐप लॉन्च करने वाली जो एक तरह से संस्था है जो सॉरी राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा साथियों। देखिए साथियों इसके तहत होगा क्या, तो आपको पता होता है कि राज्य में साथियों बहुत से राज्य हैं पूरे भारत के अंतर्गत होम क्वारंटाइन जो लोग भी हैं, तो एक तरह से जो घर में नज़रबंद हैं जो कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए थे या फिर संक्रमित पाए गए हैं, तो उन पर नज़र रखने के लिए साथियों यह ऐप लॉन्च किया गया है और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना अध्यक्ष या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित किया है? साथियों आपको आंसर बताना है कि किसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है, यानी कि CEO बनाया है CEO। साथियों आंसर होगा पराग राजा। देखिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। साथियों डिटेल्स क्या बनती हैं इस बारे में तो कवर करते हैं। जीवन बीमा कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने पराग राजा को कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। पराग की नियुक्ति विकास सेठ के स्थान पर होगी जो कि आगामी 30 अप्रैल तक 2020 को रिटायर हो रहे हैं। साथियों विकास सेठ रिटायरमेंट ले रहे हैं और पराग राजा उनके स्थान पर स्थान ग्रहण करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने कोविड-19 के उपचार के लिए निम्न में से किस थेरेपी को हाल में मंजूरी प्रदान करी है? साथियों आपको आंसर देना है कि हाल ही में एम्स के द्वारा यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के द्वारा जो कोविड-19 चल रहा है इसके उपचार हेतु कौन सी थेरेपी को मंजूरी प्रदान करी है? हमारा आंसर होगा प्लाज्मा थेरेपी। देखिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा साथियों। प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है साथियों डिटेल्स बनती है इस बारे में तो कवर करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसका उद्देश्य उपचार के बाद कोविड-19 से पूरी तरीके से ठीक हुए व्यक्ति के खून से प्लाज्मा लेकर अन्य रोगियों का इलाज करना होता है। साथियों देखिए एक तरह से आपको पता है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है उसको दवाई दी जाती है और दवाई देने के पश्चात साथियों एक तरह से वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। साथियों तैयार होने की प्रोसेस के बीच में होता क्या है, तो उसके अंदर जो व्यक्ति के खून में जो प्लाज्मा मौजूद होता है उसके अंदर साथियों एंटीबॉडी का निर्माण होता है दवाई के द्वारा।
तो साथियों इसीलिए जो एक तरह से जो अगर मान लीजिए कोई कोरोना का पेशेंट है जो ठीक हो चुका है तो उसके जो बॉडी के अंतर्गत साथियों दवाई लेकर अगर ठीक हुआ है तो उसके बॉडी के अंतर्गत जो एंटीबॉडी तैयार हो चुके हैं। तो साथियों उन एंटीबॉडी को वापस से बाहर निकालकर जो अन्य रोगी होता है उसके ब्लड में डाला जाएगा जिससे साथियों वह भी तैयार हो सके। तो साथियों इस तरह की एक नई तकनीक का ईजाद किया गया है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के द्वारा इसे मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम सेवा लॉन्च करी गई है। साथियों आपको आंसर देना है कि ये कौन सी सेवा है, तो जो सेवा है मैंने आपको बताई है आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम सेवा, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर, तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। देखिए साथियों आपको पता है कि आरोग्य सेतु एक ऐप है, तो यह किस तरह से काम करता है साथियों एंड्रॉयड मोबाइल में यह काम करने वाला ऐप है, परंतु भारत में बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि आज भी एंड्रॉयड मोबाइल को यूज़ नहीं करते हैं। तो साथियों उन सभी के लिए जो अपने तमिलनाडु गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है इन दोनों ने मिलकर एक तरह से यह जो ऐप या फिर ऐसी सेवा लागू करी गई है जो कि साथियों कीपैड मोबाइल पर भी लागू होगी। साथियों इनके माध्यम से क्या होगा कि जो एक तरह से जो कीपैड यूज़ करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके मोबाइल पर कॉल जाएगी और उसके द्वारा उनका जाँच परीक्षण किया जाएगा। तो साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के गायक जॉन ब्राइन कोविड-19 के चलते का निधन हो चुका है। साथियों आपको आंसर देना है कि जॉन ब्राइन जिनका हाल में निधन हुआ है कोविड-19 के चलते वह किस देश के व्यक्ति थे। साथियों आंसर होगा अमेरिका के, तो देखिए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ए। तो साथियों डिटेल्स क्या बनती है इस बारे में आइए कवर करते हैं। अमेरिकी गायक जॉन प्राइम को कोविड-19 के कारण हाल में निधन हो चुका है। जॉन प्राइम अपने लंबे करियर के दौरान साथियों उन्होंने कई सारे अवार्ड जीते थे। साथियों देखिए उनका दो एल्बम जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, एल्बम है द मिसिंग ईयर्स और फेयर एंड स्क्वायर। साथियों दो एल्बम जो मैंने बताए हैं इनके लिए साथियों उन्हें ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया है और साथ ही साथियों उन्हें ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है। हमारा आंसर होगा साथियों 11 अप्रैल को। तो देखिए साथियों 11 अप्रैल को किस शख्सियत का जन्मदिवस आता है, तो उन्हें एक तरह से जो मातृत्व दिवस का दर्जा प्रदान किया गया है उनके जन्मदिवस को। तो साथियों आंसर होगा हमारा 11 अप्रैल ऑप्शन बी। साथियों डिटेल्स क्या बनती है इस क्वेश्चन से हमारे लिए, तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यह सरकार के द्वारा 2013 से लगातार मनाया जा रहा है। साथियों यह दिवस जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं राष्ट्रपिता हैं उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के जन्मदिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य साथियों क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साथियों जो महिलाओं की मृत्यु होती है जो प्रसव पीड़ा के समय, तो उस चीज़ को कम करने के लिए साथियों यह दिवस मनाया जाता है। साथियों वर्तमान में इस दिवस पर एक तरह से कोई भी प्रोग्राम्स नहीं हुए हैं क्योंकि कोरोना वायरस का प्रभाव पूरे विश्व में पूरे देश में चल रहा है। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न होगा कि किस संस्था के द्वारा या फिर किस संस्था या विभाग के द्वारा घरेलू हिंसा को रोकने हेतु 72-77-73-53-72 साथियों एक तरह से व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने आपको बताए हैं यह लॉन्च करे गए हैं। साथियों आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा साथियों ये हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए गए हैं। आपको पता है कि कोविड-19 के चलते एक तरह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इसी बीच में साथियों घरेलू हिंसा के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। साथियों कोई भी महिला होती है हिंसा होने पर एक तरह से वो पुलिस थाने भी नहीं जा सकती है, तो इसी चीज़ को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा साथियों हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए गए हैं। अब वो जिस तरह से जिसके साथ में भी वीडियो पीड़ित होगी वह यहाँ पर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई साथियों व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन कॉलिंग के माध्यम से, और जो एक तरह से ये दो माध्यम उन्होंने दिए हैं तो इनके माध्यम से वह अपने जो कॉलिंग होगी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं और उस पर जो कार्रवाई भी होगी साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पढ़ाई तुम्हार द्वार जो एक तरह से ये लॉन्च किया गया है, पोर्टल लॉन्च किया गया है। हमारा आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। साथियों ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो देखिए साथियों एक तरह से ये ऑनलाइन एक ऐप है और पोर्टल है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो स्कूली विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक तरह से शैक्षणिक गतिविधियाँ यहाँ पर आयोजित करी जाएगी। तो साथियों पढ़ाई तुम्हार द्वार एक तरह से ये ऑनलाइन पोर्टल है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो साथियों थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना मूल्य समझाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में से शेयर कीजिए और साथ ही आज की PDF लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि साथियों आपको आने वाली वीडियो और उसकी PDF नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।